जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा सिद्रा की केवाईसी के हवाले से। ये मेरा अकाउंट जो है ये आज सुबह फर्स्ट टाइम तक इसकी केवाईसी जो है वो नहीं हुई थी। ये जो ऑप्शन है ये ग्रीन तो था नहीं, ये वाला जो है ये ब्लू था, जैसे आपका जो है ब्लू शो हो रहा होगा ये कलर का, तो ये पहले ब्लू कलर का मुझे शो हो रहा था, अब जो ये ग्रीन है। मैंने इसको कैसे किया, ये मेरे घर का मोबाइल है, मैं आपको सारा कुछ अभी दिखा दूंगा। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दूं, अभी पूरे 7 बजे हैं, शाम को 9 बजे लाइव आऊंगा और इंशाल्लाह गिव अवे करूंगा उन मेंबर्स को जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं, उनके स्क्रीनशॉट सारा डाटा मेरे पास मौजूद है किन मेंबर्स को गिव अवे करना है। तो वैसे तो 2000 का गिव अवे मैंने कहा यार टीम के अंदर कर देता हूँ, तो मैंने पोल भी लगाई थी, लेकिन ज्यादा गिव अवे मैं कर दूंगा तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो आपने जो पार्टिसिपेट लाइव के अंदर लाजमी लेना। अभी जी यहाँ पे जो है ये केवाईसी मैंने कैसे की, तो इसका मैं पूरा आपको इसी वीडियो के अंदर तरीका और ट्रिक जो है वो बताऊंगा, इसकी प्राइस भी आपको बता दूंगा। और एक बात और, आपने मार्केट के अंदर चलना है सावधान होके, एहतियात से ख्याल से चलना है। इस टाइम मार्केट के अंदर डेली जो है यहाँ पे स्कैम हो रहे हैं और बड़े गलत तरीके से जो है स्कैम हो रहे हैं। रिसेंटली 12,500 पाई का स्कैम हुआ, फिर तकरीबन 25 लाख के USDT डॉलर का स्कैम हुआ, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कुछ का क्या मसला हो रहा है, कुछ का क्या हो रहा है, अगर आप किसके साथ डील करते हैं फिर आपको पेमेंट रिब्यूट के जरिए आती है, अगर पीछे रिबेट लगती है तो आपकी पूरा अकाउंट का जो है सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, सावधानी से चलो। अगर आपने कोई भी चीज सेल करनी है टोकन सिद्रा के या पाई के, तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का, उसमें आगाए बगाए मैं अपना नंबर वगैरह वो शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको जरूरत है आप वहां पे सर्च वगैरह करेंगे तो स्क्रोलिंग करेंगे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। अब जी आपने सबसे पहले तो मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास हर फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म की वीडियो आप तक आती रहे। और आपने यहाँ पे एक्टिव भी रहना है। मैं यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब जो है मैं इसको ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। देखें ऊपर बार कोड के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे डाटा अगर मैं व्यू डॉक्यूमेंट शो करवाऊं तो ये मेरे घर का एक अकाउंट है जो कि मदर के नाम से है, तो उनका जो है बना हुआ है। तो यहाँ पे ये केवाईसी जो है पहले अप्रूव नहीं थी, इसको तकरीबन 3 महीने लगे अप्रूव होने में। तो मैंने कौन सी ऐसी ट्रिक जो है यूज की जो मेरा अकाउंट जो है ये वाला वेरीफाई हो गया। तो ये देखें यहाँ पे मैं आपको पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी कि वहां पे आपका जो आईडी कार्ड के ऊपर फेस है ना, जस्ट आपने वो फेस वहां पे डालना है, बाकी फ्रंट आईडी कार्ड की जो कॉपी है वो आपने कट कर देनी है। क्या कर देनी है, कट कर देनी है, मतलब वो क्रॉप करके जस्ट आपने अपना फेस जो है ये देना है जो CNC के ऊपर आ रहा है। पहले नंबर पे आपने ये पिक्चर देनी है, दूसरे नंबर पे पूरा आपने अपना CNC लेना है, उसको आपने ऐसे अपने हाथ में पकड़ के बैठना है ताकि आप जो है उसकी पिक्चर जो है वो बना के अपलोड कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आती है कि पिक्चर आपने वहां पे आईडी कार्ड को उल्टा रखते हैं, उसकी तस्वीर बनाते हैं, फिर आपने आईडी कार्ड को उल्टा पकड़ के उसकी जो है फिर आपने पिक्चर बनानी है। इसके बाद फिर आपसे लाइव वेरिफिकेशन वगैरह वो मांगी जाएगी। तो एक मिनट स्क्रीन रोटेट होगी, तो ये इसको जो है मैं थोड़ा सा क्या शो करवा रहा है ये। चलो जी ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ये लॉन्ग स्क्रीन आपके लिए चलो बन गई, अगर आज समझ आ गई तो, मेरे ख्याल में समझ नहीं आएगी आपको, अगर वीडियो को स्क्रीन ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे मसला बन जाएगा, बस हो गया। चलो जी मैं यहाँ पे सिद्रा को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने 2 KYC करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स पहले के थे, अब EKYC आई हुई है, ये की थी मैंने KYC, उसके बाद EKYC इस अकाउंट की मैंने नहीं की। पहले तो आप चेक करें आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका होगा, अगर आप यहां तक पहुंच गए, अगर तो वेरीफाई हो गया कमेंट लाजमी कीजिएगा आके, अगर नहीं हुआ फिर मैं जो आपको बता रहा हूं। अब हमारे पास आ चुकी है EKYC, ये देख रहे हैं आप, पहले हमने ये जो आईडी कार्ड की जो मैंने KYC की थी ये थी KYC, फिर आई EKYC। अब EKYC के अंदर जो आपने KYC करनी है उसके अंदर आपने अपनी पिक्चर जो अपलोड करनी है, फ्रंट इमेज जो आपको बोलेगा वहां पे आपने जस्ट आईडी कार्ड की ये अपलोड करनी है, उसके बाद फिर जाके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं होंगे।
पहले तो आप अपना पूरा सीएनईसी डाल के केवाईसी की ट्राई करें, ये अगर हो जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं होता फिर आप अपनी हाफ मतलब फेस की फ्रंट पे, उसके बाद फिर आपने अपने पूरे आईडी कार्ड को ऐसे पकड़ के फिर आपने पूरी पिक्चर लेनी है, उसके बाद आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर, फिर आईडी कार्ड की बैक पिक्चर पूरी लेनी है, फिर आपने आईडी कार्ड को बैक पकड़ के जो है वो कर लेना है। अच्छा, ये काम आपने कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने 8 दिन के लिए बंद कर देना। मैंने इसको 6 दिन के लिए बंद किया, आज अचानक मैंने ऐसे ओपन किया, ठीक है। सुबह मैंने देखा जो है इसकी माइनिंग, मतलब मैंने कहा कि आज ओपन करके देखते हैं, लेकिन उस टाइम मैंने देखा कि इसका ऑप्शन ब्लू था। फिर मैंने दिन को मैंने सोचा यार ओपन तो वैसे कर लिया था, क्यों ना अब इसकी माइनिंग ही कर दूं, फिर इसको लॉग आउट कर दूंगा 6 दिन के लिए। फिर मैंने इसको ओपन किया, ओपन करके मैंने इसकी माइनिंग जब करने आया तो केवाईसी पास हो चुकी थी। ये इसकी ट्रिक है, ये तरीका, ये आपने करना है। डॉक्यूमेंट्स 2 अपलोड करने हैं आपने। यहाँ पे पहले तो पूरा आपका सीएनसी जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये आपने कर लेना। अगर ये आप नहीं करते तो आप ये नहीं करते, नहीं बल्कि ये होगा नहीं, आप वो पिक्चर अपलोड करें जिसके ऊपर जो है आप सीएनसी की जस्ट अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, फिर आपने 6 दिन के लिए बंद कर देना। तो इनशाला मैं उम्मीद करता हूँ आपकी केवाईसी पास हो जाएगी। अगर नहीं होती कुछ दिन आप लॉग आउट करके रख दें, फिर जो है आपने कुछ दिन के बाद ओपन करना है और ये हो जाएगी, ये कोई ज्यादा मसले वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तरीका जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये काम कर जाएगी और इनशाला आपको यहाँ से फायदा भी होगा। हाँ, प्राइस की इसकी जो मैंने बात करनी थी, इस टाइम मार्केट के अंदर सिद्रा की प्राइस जो है वो 35 रुपए, पाकिस्तानी 35 रुपए का एक सिद्रा अभी सेल हो रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको सजेशन दूंगा एज अ सीनियर एज अ प्लानर कि आप अपने टोकन होल्ड रखें ताकि आपको यहां से प्रॉफिट हो। अगर तो आप होल्ड कर लेते हैं तो आज अब मार्केट को आप देख लो, हर टोकन का रेट हैमस्टर को देख लो 70% उसका रेट पंप कर गया। अच्छा, एक्स एम्पायर को देख लो, उसका तो तकरीबन 50-60% उसका भी पंप कर गया। नार्ड क्वीन, डॉग टोकन, सारा कुछ जो है पंप कर गया। तो इनका भी टोकन जो है जब मार्केट के अंदर कम होगा तो इसका रेट जो है वो वैसे बढ़ जाएगा। वैसे मार्केट के अंदर इसके टोकन की कोई ज्यादा वो नहीं है, टोकन बहुत कम है मार्केट के अंदर, तो इसका रेट इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगा। आपने अच्छे वक्त का वेट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख गए होंगे। अगर कुछ सीखा है, अभी तक वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।